नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं ऋतु आधारित लोकगीत, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ददरिया। ददरिया को कहा जाता है लोकगीतों का राजा। वर्षा ऋतु के दौरान फसल की बुआई करते समय सवाल जवाब शैली में सिंगार रस आधारित प्रणय गीत या प्रेम गीत कहलाता है ददरिया। अर्थात ददरिया में वर्षा ऋतु के दौरान दो पक्ष, एक पुरुष का पक्ष और एक महिला का पक्ष, इनके बीच सिंगार रस की प्रधानता युक्त सवाल जवाब अर्थात प्रश्न और उत्तर में जो गीत गाया जाता है उसे ही कहा जाता है ददरिया। अर्थात ददरिया में सिंगार रस की प्रधानता होती है और इसकी शैली होती है प्रश्न उत्तर आधारित या सवाल जवाब शैली। ध्यान, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में ऋतु आधारित ऋतु आधारित लोकगीत। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है ददरिया। वर्षा ऋतु में फसल की बुआई करते समय सवाल जवाब शैली में श्रृंगार रस आधारित प्रणय गीत या प्रेम गीत कहलाता है ददरिया। ददरिया को कहा जाता है लोक गीतों का राजा। नव युवकों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कहलाता है ददरिया। बैगा जनजातियों में ददरिया नृत्य तथा ददरिया गीत के दौरान जीवन साथी का चयन भी किया जाता है। बैगा जनजातियों में ददरिया नृत्य तथा ददरिया गीत के दौरान जीवन साथी का चयन भी किया जाता है। ददरिया के छत्तीसगढ़ में प्रमुख कलाकार लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव तथा दिलीप सडंगी, जो कि ददरिया के प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार है। लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, दिलीप सडंगी। धंजेगा, दूसरा है ऋतु आधारित लोकगीत में सवनाही। ध्यान दीजिएगा, एक सवनाही चित्रकारी होती है, वो अलग है। ये सवनाही गीत है। सवनाही गीत वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाने वाला लोकगीत है। वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाने वाला लोक गीत वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाने वाला लोकगीत है सवनाही गीत। अगला है आल्हा।
आल्हा गीत या इसे ही कहा जाता है बारह मासी गीत आल्हा या बारह मासी गीत, अर्थात आल्हा का अर्थ होता है किसी भी ऋतु में गाए जाने वाला गीत, अर्थात यह वर्ष के 12 महीने गाए जा सकते हैं आल्हा गीत, इसीलिए इसे कहा जाता है सभी ऋतुओं में गाया जाने वाला लोकगीत आल्हा या 12 मासे गीत। ददरिया को लोक गीतों का राजा कहा जाता है, ददरिया को छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा कहा जाता है। यह नवयुवकों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है। वर्षा ऋतु के दौरान फसल की बुआई करते समय महिला पक्ष तथा पुरुष पक्ष के बीच सवाल जवाब शैली में सिंगार रस आधारित प्रणय गीत ददरिया का संपादन किया जाता है। अर्थात वर्षा ऋतु में फसल की बुआई करते समय पुरुष पक्ष के द्वारा गीत के माध्यम से महिला पक्ष से प्रश्न किया जाता है, सवाल किया जाता है, फिर महिला पक्ष के द्वारा गीत के माध्यम से सवाल का जवाब दिया जाता है या उत्तर दिया जाता है, उसके बाद फिर से महिला पक्ष के द्वारा पुरुष पक्ष से गीत के माध्यम से सवाल किया जाता है और उसके बाद पुरुष पक्ष के द्वारा गीत के माध्यम से उत्तर दिया जाता है। यही है ददरिया। अर्थात ददरिया में गीत की शैली है सिंगार रस आधारित सवाल जवाब शैली, अर्थात यहां पर गायन शैली है सवाल जवाब शैली, प्रश्न उत्तर शैली। इसमें सिंगार रस की प्रधानता होती है। ददरिया के छत्तीसगढ़ में प्रमुख कलाकार है लक्ष्मण बस्तूरिया, केदार यादव, दिलीप सड़ंगी। लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, दिलीप सड़ंगी। ध्यानिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में ददरिया गीत को। ददरिया गीत को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा, छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा कहा जाता है ददरिया को, छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा। साथ ही साथ इसे कहा जाता है नव युवकों की अभिव्यक्ति का, नवयुवकों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कहलाता है ददरिया। ददरिया के गायन की विषय वस्तु होती है वर्षा ऋतु में फसल की बुआई करते समय सवाल जवाब शैली में श्रृंगार रस आधारित प्रणय गीत या
प्रेम गीत, प्रणय गीत या प्रेम गीत है ददरिया। अर्थात यहां पर ददरिया का संपादन किया जाता है वर्षा ऋतु में, ददरिया का संपादन किया जाता है वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में ददरिया का संपादन किया जाता है, ददरिया का आयोजन किया जाता है वर्षा ऋतु में। फसल की बुआई करते समय, वर्षा ऋतु में फसल की बुआई करते समय, फसल की बुआई करते समय, फसल की बुआई करते समय ददरिया का संपादन किया जाता है। ददरिया गीत की जो गायन शैली है, ददरिया गीत की जो गायन शैली है यह सवाल जवाब शैली है, सवाल जवाब शैली है, सवाल जवाब गीत शैली है या प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर गीत शैली है, प्रश्नोत्तर गीत शैली है, सवाल जवाब गीत शैली है या प्रश्नोत्तर गीत शैली है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, इसमें प्रधान रस है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और यह गीत है प्रणय गीत, यह गीत का प्रकार है, यह एक प्रेम गीत है या प्रणय गीत है, यह एक प्रेम गीत है या प्रणय गीत है। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं महिला तथा पुरुष दोनों के बीच सवाल जवाब शैली में ददरिया गीत का संपादन किया जाता है। अर्थात यहां पर भागीदारी होती है महिला तथा पुरुष की, यहां पर इस गीत में भागीदारी रहती है महिला तथा पुरुष की, अर्थात यह एक सामूहिक गीत है, यह एक सामूहिक गीत है, अर्थात महिला व पुरुष प्रधान गीत है, महिला व पुरुष प्रधान, महिला व पुरुष प्रधान गीत है, सामूहिक गीत है ददरिया, महिला व पुरुष प्रधान गीत है ददरिया। समझेगा, ददरिया के प्रमुख कलाकार, ददरिया के प्रमुख कलाकार, ददरिया के प्रमुख कलाकार, ददरिया के प्रमुख कलाकार है लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया, ददरिया के प्रमुख कलाकार है लक्ष्मण मस्तूरिया। दूसरा है केदार यादव, लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, दिलीप सड़ंगी, दिलीप सड़ंगी, दिलीप सड़ंगी, धंजेगा लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, दिलीप सड़ंगी, दिलीप सड़ंगी, धंजेगा लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, दिलीप सड़ंगी इसके प्रमुख कलाकार है। विशेष बात यह याद रखना है कि बैगा जनजातियों में ददरिया नृत्य तथा ददरिया गीत के दौरान जीवन साथी का चयन किया जाता है। बैगा जनजाति में, बैगा जनजाति में ददरिया नृत्य व ददरिया गीत के दौरान जीवन साथी का चयन किया जाता है, जीवन साथी का चयन किया जाता है, जीवन साथी का चयन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बैगा जनजाति में ददरिया नृत्य व ददरिया गीत के दौरान जीवन साथी का चयन किया जाता है। ददरिया गीत छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा तथा नवयुवकों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कहलाता है ददरिया गीत। ददरिया गीत छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा तथा नवयुवकों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कहलाता है। वर्षा ऋतु में फसल की बुआई करते समय सवाल जवाब शैली में श्रृंगार रस आधारित
प्रणय गीत या प्रेम गीत कहलाता है ददरिया, अर्थात वर्षा ऋतु में फसल की बुआई करते समय इसका आयोजन किया जाता है। यह सवाल जवाब गीत शैली या प्रश्नोत्तर गीत शैली पर आधारित एक लोक गीत है। इसमें सिंगार रस की प्रधानता होती है। यह प्रणय गीत या प्रेम गीत है। इसमें महिला तथा पुरुष दोनों की प्रधानता होती है, अर्थात यह महिला व पुरुष प्रधान लोक गीत है। इसके प्रमुख कलाकार है लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, दिलीप सड़ंगी। विशेष बात याद रखना है कि बैगा जनजाति में ददरिया नृत्य व गीत के दौरान जीवन साथी का चयन किया जाता है। यह है ददरिया। ददरिया के बाद है सवनाही गीत। वर्षा ऋतु के दौरान छत्तीसगढ़ में गाए जाने वाले गीत को सवनाही गीत कहते हैं। अगला है आला या बारामासी गीत। छत्तीसगढ़ में सभी ऋतुओं में गाए जाने वाला गीत है आला गीत या बारामासी गीत। आला गीत या बारामासी गीत छत्तीसगढ़ में सभी ऋतुओं में 12 महीने गाए जाते हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जाति आधारित लोक गीत। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जाति आधारित लोकगीत। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जाति आधारित लोकगीत। जाति आधारित लोकगीत। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जाति आधारित लोकगीत। जाति आधारित लोक गीत। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे बांस गीत। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बांस गीत। बांस गीत प्रचलित होता है राउत जाति या यादव जाति या अहिर जाति में। बांस गीत प्रचलित होता है राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति में, या यादव जाति में प्रचलित होता है बांस गीत। बांस गीत प्रचलित है राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति में। बांस गीत, ध्यान दीजिएगा, महाभारत के कर्ण, मोरध्वज, सीता, बसंत तथा अहिमन रानी की गाथाओं पर आधारित होता है बांस गीत। महाभारत के कर्ण, मोर ध्वज, सीता बसंत व अहिमन रानी की गाथाओं पर आधारित लोक गीत। गाथाओं पर आधारित लोक गीत, ये आपका है बांस गीत। बांस गीत जो कि छत्तीसगढ़ में राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति में प्रचलित है। महाभारत के कर्ण, मोरध्वज, सीता, बसंत वह अहिमन रानी की गाथाओं पर आधारित लोकगीत कहलाता है बांस गीत। बांस गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है मोराली। मोराली बनाया जाता है बांस से, इसीलिए इसे बांस गीत कहा जाता है। बांस गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है मोराली, जो कि बांस का बना होता है, इसलिए इस गीत को बांस गीत
कहा जाता है। बांस गीत के प्रमुख कलाकार, बांस गीत के प्रमुख कलाकार, बांस गीत के प्रमुख कलाकार है, बांस गीत के प्रमुख कलाकार है केजू राम यादव, केजू राम यादव व नकुल यादव, केजू राम यादव व नकुल यादव, केजू राम यादव व नकुल यादव। बांस गीत राउत जाति में प्रचलित है। बांस गीत महाभारत के कर्ण, मोरध्वज, सीता बसंत व अहिमन रानी की गाथाओं पर आधारित लोकगीत है बांस गीत। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है बांस से बना हुआ मोराली। बांस गीत के प्रमुख कलाकार है केजूराम यादव, नकुल यादव। दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउत गीत। राउत गीत राउत नाचा के दौरान, राउत नाचा के दौरान, राउत नाचा के दौरान गाए जाने वाला गीत, गाए जाने वाला गीत। राउत नाचा के दौरान गाए जाने वाला गीत है राउत गीत, अर्थात यह भी राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति का प्रमुख लोक गीत है राउत गीत। राउत नाचा के दौरान प्रमुख वाद्य यंत्र होता है गड़वा, गड़वा बाजा या मिसान, इसे गड़वा बाजा या मिसान कहा जाता है। राउत नाचा के दौरान गाए जाने वाले गीत को राउत गीत कहते हैं। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है गड़वा बाजा या मिसान। इसके प्रमुख कलाकार डॉक्टर कालीचरण, डॉक्टर कालीचरण यादव, डॉक्टर कालीचरण यादव, इसके प्रमुख कलाकार डॉक्टर कालीचरण यादव। राउत गीत राउत नाचा के दौरान गाए जाने वाले गीत को राउत गीत कहते हैं, अर्थात राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति के द्वारा इसका संपादन किया जाता है। राउत नाचा का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है गड़वा बाजा, अर्थात राउत गीत का भी प्रमुख वाद्य यंत्र होता है गड़वा बाजा या मिसान। इसके प्रमुख कलाकार डॉक्टर कालीचरण यादव। अगला है देवार गीत, अगला है देवार गीत, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं देवार गीत। देवार गीत का संपादन किया जाता है देवार जाति के द्वारा, देवार जाति के द्वारा देवार गीत का संपादन किया जाता है, देवार गीत का संपादन किया जाता है देवार जाति के द्वारा। चंदा रउताई दसमत तथा नगेसर कैना की गाथाओं पर आधारित लोकगीत है देवार गीत। चंदा रउताइन, चंदा रउताइन, चंदा रउताइन दसमत, दसमत व नगेसर, नगेसर, नगेसर कैना, नगेसर कैना की गाथाओं पर, की गाथाओं पर आधारित लोकगीत, की गाथाओं पर आधारित लोकगीत ये है देवार गीत। देवार गीत चंदा रउताइन दसमत व नगेसर कैना की गाथाओं पर आधारित लोकगीत देवार गीत। देवार जाति के द्वारा इसका संपादन किया जाता है। देवार गीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर, झांझ, मांदर, झांझ, रुंजू या रंजू या रुजू, इसे कई अपभ्रंश है, रजू या रंजू या रंजू या रुंजू तथा ढुंगरू, तथा ढुंगरू इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। रंजू कहिए या रुंजू कहिए या रुंजू कीजिए या रंजू कीजिए, इसके चार अपभ्रंश है, रंजू, रंजू
तथा ये है डुंगरू, मांदर, झांझ, रुंझू तथा डुंगरू इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। देवार गीत देवार जाति में प्रचलित प्रमुख लोक गीत है। चंदा रौताइन दसमत व नगेसर कैना की गाथाओं पर आधारित लोक गीत है देवार गीत। देवार गीत के प्रमुख कलाकार हैं रेखा देवार, रेखा देवार व बद्री सिंह कटारिया। रेखा देवार व बद्री सिंह कटारिया, रेखा देवार व बद्री सिंह कटारिया। अगला इसी में है, ध्यान दीजिएगा, अगला इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं। चौथा बीरम गीत, अगला है बीरम गीत। बीरम गीत का संपादन भी किया जाता है देवार जाति के द्वारा। बीरम गीत का संपादन भी किया जाता है देवार जाति के द्वारा। देवार जाति की महिलाओं के द्वारा अपने ससुराल की व्यथा का गायन शैली में प्रस्तुतीकरण बीरम गीत कहलाता है। देवार जाति की महिलाओं के द्वारा अपने ससुराल की व्यथा का गायन शैली में प्रस्तुतीकरण बीरम गीत कहलाता है। अर्थात देवार जाति की जो महिला होती है जब वो अपने ससुराल के बारे में गीत के माध्यम से प्रस्तुतीकरण करती है कि उनके ससुराल में, उनके ससुराल के जीवन में क्या चल रहा है, जब इस बातों का देवार जाति के महिलाओं के द्वारा गीत के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जाता है तो यही गीत कहलाता है बीरम गीत। अर्थात देवार जाति की महिलाओं के द्वारा, देवार जाति की महिलाओं के द्वारा अपने ससुराल, अपने ससुराल, देवार जाति की महिलाओं के द्वारा अपनी ससुराल की व्यथा का गायन कहलाता है बीरम गीत। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है ढोलक व मंजीरा, ढोलक व मंजीरा। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है ढोलक व मंजीरा। इसके भी प्रमुख कलाकार हैं रेखा देवार, रेखा देवार व बद्री सिंह कटारिया, रेखा देवार व बद्री सिंह कटारिया, रेखा देवार व बद्री सिंह कटारिया। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बसदेवा गीत, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बसदेवा गीत। बसदेवा गीत का आयोजन किया जाता है बसदेवा जाति के द्वारा, बसदेवा जाति के द्वारा बसदेवा गीत का संपादन किया जाता है। श्रवण के जीवन पर आधारित, श्रवण के जीवन चरित्र पर आधारित लोक गीत है बसदेवा गीत, जिसका आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ की घुमक्कड़ तथा या बंजारा जाति जो कि है बसदेवा जाति, इनके द्वारा श्रवण के जीवन चरित्र का गीत के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जाता है। श्रवण के जीवन चरित्र का, श्रवण के जीवन चरित्र का गायन शैली, श्रवण के जीवन चरित्र का प्रस्तुतीकरण ही कहलाता है बसदेवा गीत। श्रवण के जीवन चरित्र पर आधारित लोकगीत, श्रवण के जीवन चरित्र पर आधारित लोकगीत, श्रवण के जीवन चरित्र पर आधारित लोकगीत यह आपका है बसदेवा गीत, जिसका आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ की घुमक्कड़ जाति, छत्तीसगढ़ की घुमक्कड़ जाति जो कि है बसदेवा जाति के द्वारा, इनके द्वारा घूम घूम कर श्रवण के जीवन चरित्र का गायन शैली के रूप में प्रस्तुतीकरण किया जाता है। बसदेवा गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है चिंकारा, बसदेवा गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है चिंकारा। तो ये है छत्तीसगढ़ के जाति आधारित लोकगीत बांस गीत, इसका संपादन किया जाता है राउत या अहिरिया यादव जाति के द्वारा।
महाभारत के कर्ण, मोरध्वज, सीता, बसंत व ऐमन रानी की गाथाओं पर आधारित लोकगीत है बांस गीत। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है बांस से बना हुआ मोहराली। प्रमुख कलाकार है केजूराम यादव, नकुल यादव। राउत गीत, इसका भी संपादन किया जाता है राउत या अहिर या यादव जाति के द्वारा। राउत नाचा के द्वारा गाए जाने वाला गीत है राउत गीत। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है गड़वा बाजा या मिसान। प्रमुख कलाकार है डॉक्टर काली चरण यादव। देवार गीत, इसका संपादन किया जाता है देवार जाति के द्वारा। चंदा रौताइन, दसमत व नगेसर कैना की गाथाओं पर आधारित लोकगीत है देवार गीत। प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर, झांझ, रुंजू तथा ढुंगरू। प्रमुख कलाकार है रेखा देवार तथा बद्री सिंह कटारिया। बीरम गीत, इसका भी संपादन किया जाता है देवार जाति के द्वारा। देवार जाति की महिलाओं के द्वारा अपने ससुराल की व्यथा का गायन जो है बीरम गीत। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक व मंजीरा। प्रमुख कलाकार है रेखा देवार व बद्री सिंह कटारिया। बसदेवा गीत, इसका गायन किया जाता है छत्तीसगढ़ की घुमक्कड़ जाति अर्थात बसदेवा जाति के द्वारा। श्रवण के जीवन चरित्र पर आधारित लोकगीत है बसदेवा गीत। प्रमुख वाद्य यंत्र है बसदेवा गीत का चिंकारा।